आज के इस मुबारक मौके के मौके पर मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे बुलाया और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मौला अली के याद में आप एक इतना अच्छा प्रोग्राम आज यहाँ कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक। अब आज के जब मैं समाज को देखता हूँ तो हमारे मजहब के अंदर इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें हो गई कि उन्होंने मजहब के माध्यम से हमें इंसानियत का रास्ता दिखाया। पर आज जिस प्रकार के हालात हम देख रहे हैं समाज में, आज दोपहर को एक दोस्त का फोन आया, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, बहुत परेशान थे कि ये कितना पवित्र मौका है, भगवान राम का रामनवमी का मौका है, बंगाल में दंगे हो रहे, बिहार में दंगे हो रहे और राजस्थान में हनुमान के नाम पर दंगे हो रहे। तो मुझे लगा ये आखिर में हो क्या रहा है, हमारा समाज मजहब के असूलों से क्यों हटता जा रहा है। मुझे ये लगता है कि वो इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, सब मजहबों का अलग अलग रवैया, अलग अलग तरीका जरूर है और उसका मैं पूरा पूरा आदर करता हूं। पर सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि असली मजहब वो है जो इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाता है। आज जब मैं देखता हूं कि पाकिस्तान में कई हिंदुओं को कत्लेआम हुआ, क्रिश्चियन लोग मारे गए, बांग्लादेश में हिंदू और बुद्ध मारे गए और भारत में क्या हो रहा है, भारत जो सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, इक्वालिटी के आधार पर आया, उसमें मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी हिंसा हुई, वो मुसलमान हो या क्रिश्चियन, मुझे उनमें सबसे पहले एक इंडियन इंसान दिखता है तो जिसके खिलाफ नफरत पैदा की गई है। मैं सीधा सीधा डायरेक्ट विषय पर आना चाहूंगा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दंगे होते नहीं है, प्लीज नोट, दंगे होते नहीं है, दंगे करवाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दंगे करवाने के पीछे एक उसके पृष्ठभूमि में नफरत पैदा की जाती है। मेरा पूरा विश्वास है कि इंसान को इंसान से इतनी मोहब्बत होती है कि वो एक दूसरे को नहीं मारता, पर कुछ सियासत वाले लोग उसको मरवाना चाहते हैं ताकि उनकी सियासत की रोटियां उस पर सिके और वो पावर में रहकर अपने पावर को और बढ़ाए। बिल्कुल। तो पहली बात ये क्लियर है, आज जो चल रहा है वो मजहब के कारण नहीं है, उसके पीछे एक राजनीति है। कौन सी राजनीति? जो मजहब के नाम पर की जाती है। प्लीज नोट द डिफरेंस, एक तरफ मजहब है जो मोहब्बत सिखाता है और एक तरफ वो सियासत है जो मजहब के नाम पर दंगे करवाकर खुद को मजबूत कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये भारत में निश्चित रूप से मुझे जब बात करनी है तो करना पड़ेगा कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की गई, कैसे ईसाइयों के खिलाफ नफरत पैदा की गई है और इसके पीछे क्या क्या कारण है। जब मैं एक आज घटना को देखता हूं उसमें मुझे एक आशा की किरण भी दिखाई देती है। आपको याद होगा अभी मैंने राम जन्मी का जन्माष्टमी का उल्लेख किया, तीन चीजें मेरे दिमाग में आई। इसी के कुछ दिन पहले आपको याद होगा दिल्ली में अंकित सक्सेना नाम के एक नौजवान का मर्डर किया गया। क्यों भाई? वो एक दूसरे मजहब की लड़की से प्यार करता था। मैं आपकी जब स्टूडेंट्स की उम्र में था तो विश्वास रखता था कि मजहब कोई सीमाएं नहीं देखता, पर ये उसके नाम पर अंकित सक्सेना को मारा गया। मजे की बात यह है कि अंकित सक्सेना ने कहा, अंकित सक्सेना के पिता ने कहा, भले ही मैंने अपने बेटे की लाश अपने कंधे पर धोई है पर मैं उसके नाम पर सियासत नहीं होने दूंगा। इसी का दूसरा उदाहरण दिखा अभी आसनसोल में, एक मौलाना साहब, मौलाना रशीदी साहब का बेटा दंगों में मरवाया गया और उन्होंने भी इसी जज्बे से कहा कि हिंदू मुसलमान की एकता रहे, इसका बदला लेने का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो मैं दोनों को सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम इससे सीखेंगे कि समाज आगे कैसे चल सकता है। एक समाज जिसमें सभी धर्म के लोग सदियों से मोहब्बत से रहते आए थे, ये कोई आज का मामला है? भारत में इस्लाम कल नहीं आया,
भारत में इस्लाम सातवीं आठवीं शताब्दी से आया, जब से अरब व्यापारी मलाबार के तट पर आकर यहाँ का सामान लेते थे और लेकर जाते थे, तब से भारत में इस्लाम आया है। और मैं आपको तो पता होगा, फिर भी याद दिला दूं कि भारत की पहली मस्जिद दिल्ली में नहीं बनवाई गई थी, वो बनी थी मलाबार के तट पर केरल में, जहाँ किसी मुसलमान राजा का राज्य नहीं था।